नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। दूसरा, पूजा करते समय आपको ये 9 पूजा की सामग्रियों को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। पूजा पाठ करने से कई तरह के नियम जुड़े हुए हैं और इन नियमों का पालन पूजा करते समय जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर नियमों के तहत पूजा पाठ नहीं किया जाता है तो पूजा करने का कोई भी फल नहीं मिलता है। पूजा करते समय अनजाने में हम लोग कई बार गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण सच्चे मन से की गई पूजा का भी फल नहीं मिल पाता है। आज हम आपको पूजा पाठ करने के दौरान कौन कौन सी चीज़ें सीधे ज़मीन पर नहीं रखनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, ताकि आप जब भी पूजा करें इन चीज़ों को ज़मीन पर रखने की गलती ना करें। तो आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। पहला है दीपक। किसी भी पूजा की शुरुआत करते समय सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते समय कभी भी दीपक को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक को आप फूलों के ऊपर या फिर चावल के ऊपर रखें। पूजा करते समय सबसे पहले फूलों या चावलों को ज़मीन पर बिछा दें, उसके बाद आप उस पर दीपक रख दें। इसी तरह से दीपक को चौकी पर भी रखा जा सकता है। दूसरा, सुपारी। पूजा करते समय सुपारी का प्रयोग जरूर किया जाता है और इसे भगवान के पास रखा जाता है। हालांकि आप सुपारी को हमेशा सिक्के के ऊपर भी रखें, सिक्के के ऊपर ही रखें और कभी भी सीधे तौर पर ज़मीन पर ना रखें। शालग्राम जी। भगवान शालग्राम जी को भगवान विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है और भगवान शालग्राम जी को भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान शालग्राम जी को हमेशा साफ रेशमी के कपड़े के ऊपर ही रखना चाहिए। मणि या रत्न। कई बार पूजा करते समय मणि या रत्न का प्रयोग भी किया जाता है। अगर पूजा करते समय किसी मणि या रत्न का प्रयोग करते हैं तो उन्हें किसी साफ कपड़े के ऊपर ही रखें। देवी देवताओं की मूर्तियां कभी भी फर्श पर नहीं रखी जाती, इन्हें हमेशा चौकी पर रखें और चौकी पर रखने से पहले चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा अवश्य बिछाएं। इसके अलावा इन्हें सोने चांदी के सिंहासन या थाली पर भी रखा जा सकता है। जनेऊ काफ़ी पवित्र धागा होता है और ये भगवान विष्णु जी से जुड़ा हुआ माना जाता है। जनेऊ को देवताओं को अर्पित किया जाता है और इसको पूजा करते समय हमेशा साफ कपड़े के ऊपर ही रखना चाहिए। भूल कर भी इसे जमीन या फूल के ऊपर ना रखें। शंख को पूजा करते समय किसी लकड़ी के फट्टे पर या साफ कपड़े पर ही रखा जाता है। इसे ज़मीन पर रखने से पूजा सफल नहीं होती है। फूलों के बिना पूजा सफल नहीं मानी जाती और फूलों को भगवान पर अर्पित किया जाता है। पूजा करते समय केवल साफ फूलों का ही प्रयोग किया जाता है और इन्हें कभी भी ज़मीन पर नहीं रखा जाता। इन्हें हमेशा थाली या किसी स्वच्छ पात्र में ही रखना चाहिए। कल्च को कभी भी ज़मीन पर स्थापित ना करें। पूजा में इसे रखने से पहले ज़मीन या चौकी पर चावल या हल्दी से रंगोली बना लें और उसके ऊपर ही कल्च को रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।